कि हमारे माशरे में आज जिसको कोई जुर्म समझा नहीं जा रहा औरतों का बिलावजा घरों से बाहर निकलना और फिर बेपर्दा निकलना और सिर्फ़ बेपर्दा ही नहीं बल्कि लिबास जो यानी चेहरे का हिजाब जो उससे हट कर बाकी जो लिबास है वो ऐसा लिबास कि जिसको शरीयत लिबास नहीं कहती बल्कि औरतों का नंगा होना करार देती है कि वो उस लिबास में भी नंगी हैं और फिर ये है कि आम मेलों के अंदर बाजारों में जाना जबकि शरीयत के अंदर तो अगर वो मस्जिद की तरफ भी जाए तो उस पर भी गिरफ़्त की गई सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैकूनों आखिरा उम्मती निसाउन मेरी उम्मत का जो आखिरी ज़माना होगा उसमें औरतें होंगी कैसी औरतें औरतें तो जाहिर है कि मर्द जन का वजूद माशरे का एक हिस्सा है लेकिन यानी बुरी औरतें होंगी क्या उनकी बुराई है कासियातुन आरियातुन कि वो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी ऐसी औरतें आखिर उम्मती मेरी उम्मत के आखिर में यानी ये जो सारी सदियां गुज़र रही हैं और ये तब्दीली तो फ़ौर आना शुरू हो गई आखिर उम्मती नसाउन कासियातन आरियातन यानी कपड़े पहने हुए होंगे उन औरतों ने मगर हुक्म उन पर शरीयत ये लगाएगी कि ये बग़ैर कपड़ों के हैं कि या तो वो पतले इतने होंगे कि जिससे उनका जिसम नज़र आता है या वो छोटे इतने होंगे कि जिसम के बाज आज़ाद नंगे हैं या वो टाइट इतने होंगे कि जिसकी वजह से आज़ा की शनाख्त होती है तो नबी अकरम नूर मुजस्म शफ़ी मुआज़म अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया न्ना इन पे लानत करो फन्ना तुन क्योंकि ये मलऊना औरतें हैं उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और रसूल पाक अलैहि वसल्लम जो रहमत हैं सारे जहानों की आप फरमाते हैं इल ऐसी औरतें जब माशरे में पाई जाएंगी तो उन पे लानत करो कि उनकी वजह से करोड़ों किरदार जल जाने का खतरा है यानी उनका यह तबर्रुज यूं होगा बिला तशी व तमसील के जैसे घी के पास आग जलाई जाए तो वो पिघल जाता है तो मुआशरे में तकद्दस पारसाई यूं उनके तबर्रुज की वजह से पिघलेगी और मुआशरे के अंदर आग लग जाएगी इस औरत के बुरे किरदार की वजह से जिसने तबर्रज इख्तियार किया है बज़ाहिर कपड़े पहने हैं लेकिन कपड़े सरकार फरमाते हैं काश यातन या यानी ये जाम अल्फाज हैं बज़ाहिर तो ज़िद्दें लगती हैं कि जिसने कपड़े पहने हों वो नंगी नहीं जो नंगी है उसने कपड़े नहीं पहने हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिल्कुल नंगी है वो तो यानी इस मौजू से है ही खारिज ये जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं कि जिन कपड़ों पर कपड़े होने के बावजूद नंगे होने का हुक्म शरीयत लगाती है कि ये कपड़े कलादम हैं ये है ही नहीं